हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज एक और नया दिन एक और नए डिश के साथ। आज मैं बना रही हूँ नीर डोसा। बहुत ही हल्की फुल्की सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। वैसे भी समर्स में हम हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट ही प्रेफर करते हैं, तो ये समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और आज मैं इसे केवल दो इंग्रेडिएंट से ही बनाने वाली हूँ और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के एक मजेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नीर डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप चावल लिया है। ये नॉर्मल जो हम डेली यूज करते हैं वही वाले चावल है। उसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में सोख करके रखा था और इसे बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। आप इसे कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर सोख करके रखें। और यहाँ पे मैंने नारियल के लिए है, जिसके मैंने जो आउटर पार्ट होता है ब्लैक वाला, उसे मैंने रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अब मैं इसमें चावल और नारियल ट्रांसफर कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1/2 कप जितना पानी ऐड करूंगी और इनका एक बैटर रेडी कर लूंगी। तो बैटर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये काफी थिक है। तो अभी मैं इसमें लगभग 1 कप पानी ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल एकदम पोरिंग होती है, एकदम लिक्विडी सी होती है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए रखूंगी। 10 मिनट बाद अगर बैटर की कंसिस्टेंसी थिक लगे तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम डोसा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसे ग्रीस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने लोहे का पैन लिया है तो आप उसे ग्रीस जरूर कर ले। और मैंने यहाँ पे बैटर डाल के इसे इस तरीके से फैला लिया है। ये पैन में काफी अच्छे से बन जाता है, इसलिए मैंने पैन लिया है। आप चाहे तो तवे पर भी इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम जालियां सी पड़ने लगी है। तो अभी मैं यहाँ पे हल्का सा साइड साइड पे ऑयल अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो इसे विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, ये काफी इजिली बन जाते हैं। तो अभी मैं इसे ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है तो ऐसे पलट लेती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, काफी केयरफुली करना होता है वरना ये टूट जाते हैं। तो ये मेरा डोसा बनके रेडी है। 2 से 3 मिनट में ये डोसे बन जाते हैं। तो एक एक करके मैं सारे डोसे बना लूंगी। तो अब मैं फटाफट से इसे नारियल और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, एकदम हल्की फुल्की सी हेल्दी सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर एवं कमेंट्स करिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।